पर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। कितनी अद्भुत बात है, हम नहीं जान रहे हैं, हमें नहीं पता, परंतु वो जो प्राचीन 24 प्राचीन बैठे हैं और चार प्राणी बैठे हैं, वो गीत गा रहे हैं, मेमने का नया गीत गा रहे हैं और उन गीत में हमारा वर्णन हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के तीसरे खंड में है परमेश्वर का सिंहासन और मोहरबंद पुस्तक। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 5:1-5 के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 5:6-10 के विषय में और इसके एक एक पद को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके 6 पद को पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अब यहां पर जो है ध्यान देने की बात है, जो 4 प्राणी के विषय में हम लोग पिछले संदेशों से चर्चा करते आ रहे हैं और 24 प्राचीनों की जो चर्चा हो रही है, उनके बीच में अब यहां दिखाया गया है कि उनके बीच में क्या है, एक वध किया मेमना है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। वध किया हुआ मेमना यानी बलिदान किया हुआ, बलिदान चढ़ाया हुआ मेमना जो है वो दिया गया है। वध किया हुआ मेमने की जब हम बात करते हैं तो जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है वो भी जो है प्रभु यीशु मसीह का परिचय जो है वो कैसे कराता है। तो जब यूहन्ना 1:29 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर उसने क्या कहा, यह है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। यानी परमेश्वर के मेमने वाली बात जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के लिए कही। तो यहां जो वध किया हुआ मेमना है ये यीशु मसीह को जो है वो दर्शाया जाता है। अब इस मेमने की जो विशेषता है वो क्या है कि इस मेमने की क्या विशेषता है कि इसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर के 7 जो है ये परमेश्वर की 7 सामर्थी आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं और जिसका वर्णन जो है वो जकरिया भी करता है। जकरिया 4:10 जब आप पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाऊल को जरुब्बाल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है, यानी कमजोर नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर कहता है वह अपनी इन 7 आंखों से क्या करेगा, इन 7 आत्माओं से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करता है, भ्रमण करती हैं परमेश्वर की आत्मा जो है वह अपने अलग अलग रूप में। अब यहां पर यशाया जो है वो बड़ा अद्भुत तरीके से वर्णन करता है इन आत्माओं का। क्या कहते हैं यशाया 11:2, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। अब इन आत्माओं को इस तरीके से देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा जो है ये सारी पृथ्वी पर। देखिए आत्मा एक है परंतु परमेश्वर का जो आत्माओं का जो प्रतिरूप है वो इस तरीके से फैला हुआ है हर एक इंसान को। यदि आपके पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर का वो आत्मा बुद्धि आपको प्रदान करके आपको उस बुद्धि के कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 5:6 में भी वो कहता है कि परमेश्वर के ये जो है ये 7 आत्माओं के द्वारा जो है परमेश्वर की निगाह पृथ्वी पर बनी रहती है और परमेश्वर जो है वो देखता रहता है। 7वां पद है यहां पर लिखा हुआ वही प्रकाशित वाक्य 5:7, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। अब ध्यान दीजिएगा, यानी जो मेमना है
जो वध किया मेमना है उसने क्या करा, वो पुस्तक जो सिंहासन पर बैठा है उससे पुस्तक वो ले ली। अब वो सिंहासन पर जो बैठा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जिसका प्रतिरूप है, जो मेमना है, उसने उस सिंहासन पर जो बैठा है उससे वो पुस्तक ले ली। अब क्या है, अब उस पुस्तक को लेने के लिए जो योग्य ठहरा है, वो मेमना जो योग्य ठहरा है, वो यहूदा के गोत्र का सी जो योग्य ठहरा है, उसने वो पुस्तक जो है उसके हाथ से ले ली। और क्या लिखा, आठवां पद, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। अब यहां ध्यान दिए, जैसे ही मेमने ने अर्थात यीशु मसीह ने उस पुस्तक को ली, अर्थात यहूदा के उस गोत्र ने जो दाऊद का मूल अर्थात आधार है उसने वो पुस्तक जैसे ही ली, अब यहां पर एक क्रिया होती है, और वो क्रिया किसके द्वारा होती है, यहां पर होती है वो चारों प्राणी और 24 प्राचीनों के द्वारा वो मेमने के सामने क्या होते हैं, गिर पड़े, यानी उसे दंडवत करने लगे, और उनके हर एक के हाथ में क्या थी, वीणा थी। ध्यान दीजिएगा, वीणा, और वीणा क्या था, वीणा वादक कौन था, सबसे बाइबल के अंदर सबसे अच्छा वीणा वादक जो बताया गया वो दाऊद को बताया गया है, क्योंकि शाऊल के ऊपर जब दुष्टात्मा उसको घबराती थी आती थी तो दाऊद जब वीणा बजाता था तो वो दुष्टात्मा उसके ऊपर से उतर जाती थी यहां पर। और धूप, यानी धूप जो है जो ईश्वर को जलाया जाता है, ईश्वर के को समर्पित किया जाता है, वो जो थी, और लिखा हुआ है उनमें से हरे के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। धूप क्या है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो सोने के कटोरों से जो भरे हुए हैं। यानी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्या है, हमारी प्रार्थनाएं धूप बनकर जो है वो स्वर्ग के अंदर फैलती हैं। अगर हम मन से हृदय से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यदि हम प्रार्थना करते हैं, देखिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए और उससे मांगना चाहिए, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाएं जो है स्वर्ग के अंदर धूप बनकर उस कटोरे के अंदर रहती हैं जिसको परमेश्वर सुनता है और बड़े संभाल के रखता है। क्यों संभाल के रखता है, कि आने वाले समय में वो इसका उत्तर हमें देने जा रहा होता है, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं कहीं इधर उधर नहीं जाती हैं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 9-10 पद में, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। अब ये बड़े समझने की बात है कि वो एक नया गीत गाने लगे, वो एक ऐसा गीत जो उनके अलावा और कोई नहीं गा सकता या उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। और वो गीत में क्या वर्णन कर रहे हैं, देखिए गीत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मगर उन्होंने जो मेन बात बताई है, एक तो उस पुस्तक को लेने के लिए यानी उस पुस्तक को पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं था, परंतु यहां जो वध किया हुआ मेमना है इसने उस पुस्तक पर दृष्टि ही नहीं डाली बल्कि उसको ले भी लिया ताकि उसकी मोहरों को खोल सके, उसका वर्णन उस गीत के अंदर जो है वो हो रहा है। और क्या लिखा हुआ है, और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, और उसकी मोहर को खोलने के योग्य कोई स्वर्ग में या पृथ्वी पर या अधलोक में नहीं मिला, परंतु परमेश्वर का वो मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। उस गीत में इस बात का वर्णन है, और ये गीत जो है उन वीणाओं के साथ है, सबके हाथ में वीणाएं हैं और वो वीणा बज रही है और वो उस गीत को जो है वो बहुत बाखूबी से गा रहे हैं। और फिर क्या लिखा कहा गया है इसमें, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब वो उस गीत के अंदर देखिए एक और अद्भुत बात है, मैं विषय बता रहा हूं उस गीत के अंदर क्या है। अब ये तीसरा विषय है, ये विषय क्या है कि तूने अपने बहुमूल लहू को देखकर तूने हर एक जाति में से हर एक भाषा के लोगों में से हर एक घराने में से तूने अपने लिए लोगों को मोल ले लिया, यानी खरीद लिया है, अपने लहू से खरीद लिया है।
देखिए बड़ा प्यारा वर्णन जो है उस गीत के अंदर है। हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गाते तो बहुत से वर्णन होते हैं बलिदान को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर। ये विषय है उस गीत का, पूरा गीत नहीं दिया गया, विषय मतलब मेन विषय की चर्चा जो है वो दी गई है जो इसके अंदर है। और क्या लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। अब देखिए इस गीत का जो अंतिम जो वर्णन किया गया है कि जिनको तूने अपने बहुमूल लहू से खरीदा है उनको परमेश्वर का याजक बना दिया तूने, और उनका उनको परमेश्वर का याजक तूने बना दिया है, और वे जो है परमेश्वर के साथ अर्थात तेरे साथ जो है वो इस नई पृथ्वी पर राज करते हैं। कितनी बड़ी बात है इस गीत के अंदर, एक अद्भुत वर्णन जो है वो दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे भेद जो है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो खोले गए हैं, जो देखने को सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। उन गीतों का वर्णन जहां अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो समझिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीद लिया है, तो यकीन जानिए कि उस नए गीत में हमारा वर्णन हो रहा है कि हम परमेश्वर के याजक बन गए, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। कितनी अद्भुत बात है, हम नहीं जान रहे हैं, हमें नहीं पता, परंतु वो जो प्राचीन 24 प्राचीन बैठे हैं और चार प्राणी बैठे हैं वो गीत गा रहे हैं, मेमने का नया गीत गा रहे हैं, और उन गीत में हमारा वर्णन हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है पहला कुरंतियों 6 अध्याय उसका 20 पद में कि तुम मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, तुम खरीदे गए, मोल लिए गए। किस बात के, कौन सा दाम दिया गया है? यीशु मसीह के लहू को दिया गया। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं है, और इसलिए जब हम अपने नहीं है तो अपनी तरीके से जीवन ना जिए, अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के तरीके से जीवन जिए, उस मेमने की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। और जब हम उस मेमने की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो उस गीत के अंदर जो वर्णन है याजक होने का, बनाया और राज्य करने का, वह हमारा और आपका वर्णन है। आइए इस बात को लेकर आनंदित हों और सब जगह इस बात की गवाही दें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।